आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे। नाना पाटेकर साहब का डायलॉग तो आपने सुनी लिया, अब हम बात करते हैं आरओएआरओ और यूपीपीएससी, क्या नियम आने वाला है, इनको शिफ्टों में कराने वाले हैं। शिफ्ट होंगी तो पेपर अलग अलग प्रकार का आएगा, अलग अलग प्रकार का आएगा तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो दरवाजे भी खुल जाएंगे एंट्री के जो कभी आपके लिए बंद थे। समझ रहे हो ना मुन्ना? हाँ, क्या समझे बे, ये जो कर रहे हैं ना वो तुम्हारे हित में थोड़ी है, ये इनके हित में है। नॉर्मलाइजेशन के फायदे गिनाए जा रहे हैं आपको, दो शिफ्ट में तीन शिफ्ट में एग्जाम कराने के फायदे गिना रहे हैं, बोल रहे हैं लीक नहीं होगा। इस ससुरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का कैसे लीक हो गया भैया, वो भी तो कई कई शिफ्टों में होना था, कई कई शिफ्ट का लीक कर दिए। दूसरा फायदा गिना रहे हैं कि पेपर की जो सेंटर होते हैं उन पर नकल नहीं होगी, वो भी बात ठीक है। दो ही बात आपके फायदे की बताई जा रही है, एक तो ये है कि पेपर लीक होने की संभावना लीक न्यून है, दूसरा जो सेंटर पर नकल हो जाती थी वो आपने कहानी सुनी होगी, एक बार दो बिल्लियां थी उन्हें एक रोटी मिली और रोटी को बंटवाने के लिए बंदर ले आए, कहानी सुनी है ना, बस यही कहानी है। अब रोटियां तो मिल गई हैं, बांटने का काम बंदर पे लगा दिया है कि बराबर बराबर देनी है भाई, उस बराबर बराबर देने के चक्कर में सारी रोटियां बंदर के पास पहुंच जाएंगी। ये कहानी आप सीधे सीधे इसका, इस कहानी का लोक सेवा आयोग या इस व्यवस्था या ये कहिए कि ये जो प्रणाली आप लाने जा रहे हैं, कौन सी वाली, नॉर्मलाइजेशन की या तीन तीन शिफ्ट में एग्जाम कराने की, सीधा सीधा संबंध है, कोरिलेट करके देख लीजिए। दोनों चीजें हो गई, एक तो पेपर लीक रोकना है और सेंटर पर नकल नहीं करानी है, ठीक है, दो बात हो गई। पर इससे एक बड़ी प्रॉब्लम क्या खड़ी होगी आप में, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग पेपर देते हैं सेकंड पेपर, अब ये तीन शिफ्ट में कराया तो तीन प्रकार का सेकंड पेपर होगा। जितने भी लोग भले चंगे पढ़े लिखे थोड़े होशियार होते हैं, उनका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है इस पेपर में वो 50 प्रश्न होता है, 50, 48, 47, 55, 52, क्योंकि इसका नेचर है क्वालिफाइंग, केवल आपको 33 मार्क्स लाने हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें बच्चे बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, जैसे कम्युनिकेशन या संचार कौशल की बात की जाती है, मैनेजमेंट की बात की जाती है तो वो बच्चे पढ़ते नहीं, रीजनिंग की अंग्रेजी के कुछ प्रश्न आ जाते हैं, कुछ प्रश्न हिंदी के, उनसे सॉल्व करके आप फर्स्ट पेपर पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब यहां ये मान लीजिए मेरे पास, मैं तुम्हें एक और बात यहीं पे लौटा के यहीं लेके आता हूं, पहले ये बात क्लियर करता हूं, फिर जो दरोगा वाला रिजल्ट है और एनटीपीसी वाला जो ग्रुप डी वाला रिजल्ट है इसके संदर्भ में भी बात करनी है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर 8-8 नंबर का, 7-7 नंबर का या 7-7 क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा नॉर्मलाइजेशन में, तब ये बच्चा सेफ नहीं होगा, इसको अन्य आप ये मान के चलिए अब अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 60 से अधिक। अब लौट के आते हैं यहां पे, क्या है दूसरे वाले में, आप मेरी आपकी नजर में भी किसी का दरोगा में ना हुआ हो नॉर्मलाइजेशन की वजह से तो कमेंट सेक्शन में आना, बात करेंगे। देखो समझने की बात है, मेरे पास ऐसे बच्चे हैं 120 प्लस क्वेश्चन सुनों के सही थे, यहां मेरे यहीं चौकी में तैनात है एक सिपाही, उनका जो है 122 क्वेश्चन ठीक थे, आज की तारीख में वो सिपाही ही रहे, जबकि मेरे पास कई ऐसे बच्चे हैं जिनके 108 क्वेश्चंस, 110 क्वेश्चंस ठीक थे और वो लोग दरोगा हो गए। ये हुआ किस वजह से, इसके पीछे भी नॉर्मलाइजेशन ही उत्तरदायी था, जिस प्रकार आपके खून को पिया स्केलिंग ने, जिस प्रकार आपके खून को चूसा चार बार पेपर आउट होने से, तीसरी एक नई और व्यवस्था बनाई जा रही है जो आपको बेड रेस्ट पे ले जाएगी, बिल्कुल कोई चीज बचनी ही नहीं चाहिए बच्चों के भविष्य के लिए। अगर ऐसा हो क्या हुआ, डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाएगा भाई, इसका इलाज तो विद्यार्थी खुद ही कर सकते हैं, आप आयोग जाइए, आयोग से मिलिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी बच्चों को। अब देखो जब मैं कोई चीज लागू करूंगा तो उसकी अच्छाइयां गिनाऊंगा, पर आप ये समझिए एक पुरानी कहावत है, चोर जब चोरी करता है तो मोरी पहले ढूंढता है। अब यहां मोरी का मतलब वो रास्ता है जिसके रास्ते से ये लोग निकल के
चले जाएंगे। अब आप पे प्रश्न नहीं, अभी आपका वो जो जज वाला मामला खुला था पीसीएस जे वाला, अगर वही मामला स्केलिंग के थ्रू या वही मामला आप ये मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हुआ होता, तो क्या कोई कोर्ट ये बता पाती कि नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या है, कौन सा नियम लागू होता है, क्वेश्चन बेस क्या रहेगा, बौद्धिक स्तर और आरक्षण। एक और बात समझिए, नॉर्मलाइजेशन बिना आरक्षण के लागू होगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लड़कियों के लिए कोई अलग नियम बनाए हैं क्या, या पूरी शिफ्ट देखी जाएगी कि शिफ्ट में क्या हुआ? किसी शिफ्ट में लड़कियां ज्यादा हो सकती हैं, किसी शिफ्ट में लड़कियां कम हो सकती हैं, तो उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा सभी वर्ग पर। अब उस वर्ग में यह तय नहीं किया जाता कि लड़कियां अधिक हैं, एससी एसटी अधिक है, या किस प्रकार के बच्चों ने यह पेपर दिया है, तो यह प्रॉब्लम आगे आने वाली है। क्या कोर्ट, अगर आप सोच के एक बार जज कर लीजिए, यही मामला नॉर्मलाइजेशन के थ्रू पीसीएस जे वाला हुआ था, क्या जो दो अभ्यर्थी नए नियुक्ति पा गए वो पा पाते? नहीं पा पाते। एनटीपीसी में भी यही खेला चलता है, बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी की जॉब नहीं ले पाए और कुछ लोगों की बहुत कम नंबर पे लग गई। एनटीपीसी वाले भी हो तो कमेंट सेक्शन में आना, डिस्कशन करेंगे, दरोगा वाले भी आना। अब लोग, मेरा समझाना बस आप लोगों को ये है कि जितने भी लोग आप तैयारी कर रहे हो, ये स्पेशल क्लास चलती है किसके लिए, यूपीपीएससी और आरओ एआरओ के लिए, यहां से आप पढ़ सकते हैं। हरिओद आज आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तेरी जलवायु परिवर्तित हो रही है, तेरी 13वां है, दम हो तो असमानता कम करो, आप ये पढ़ाई कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 9972952। अब दरोगा के उदाहरण मेरे पास हैं, एनटीपीसी के उदाहरण मेरे पास हैं, तो क्यों मैं इसको घसीट रहा हूं किसमें, आरओ एआरओ में और यूपीपीएससी में? यह भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देगा और आप पर रोकने के लिए कोई इलाज भी नहीं बचेगा। सभी समूह या सभी छात्र संघ एक साथ हो, इकट्ठे हो, फिर आयोग में अपनी बात रखें, अन्यथा जो भी लोग इस परीक्षा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, इसका खामियाजा अगले 2-3 वर्षों में भुगतेंगे। आप सभी लोगों के लिए एक 4 लाइन की कविता हाजिर है, आप लोगों तक पहुंचे, और कभी भी आपको जीवन में संकट दिखाई दे तो ये पंक्तियां गुनगुना लेना जरूर। बांधने मुझे तो आया है जंजीर, बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध कब सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपर बहिर प्रकर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल कालमुह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर हुआ नहीं जैसा होगा। आगे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, हैव ए नाइस डे, बाय।